नमस्कार, गुट्टी की पोटली YouTube में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेडी सॉक्स का एक के डिज़ाइन का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। हमने अपना ये लेडी सॉक्स 5 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप इसको 6 नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो 4 फंदे और ज़्यादा लगा लें। अगर 7 नंबर के लिए लगाना चाहते हो तो 8 फंदे और ज़्यादा लगा लीजिए। अगर आप इसको 4 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो दिए गए फंदों से 4 फंदे आप कम कर लीजिए। हमने अपनी ये सॉक्स को इस साइड से फंदे डालकर शुरू करते हुए पहले बॉर्डर को बनाया है, फिर हमने इसके इस चीज को बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अंगूठे को बनाया है। अंगूठे की मैंने प्रॉपर लंबाई बनाई है, ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल जरा सी लंबाई बना दूं और फिर उसको जबरदस्ती हम पैर में डालें। और इसकी जो अंगूठे की मैंने शेप दी है वो बिल्कुल बराबर बनकर आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से चोंच निकल रही हो और पहनने के बाद सुंदर ना लगे। इस तरीके के अंगूठे और अंगुली के डिजाइन को बनाने के कई फायदे हैं। एक तो फंदे कम हो जाते हैं, हमारी ऊन कम लगती है, हमारी लेबर कम लगती है, बन जल्दी जाता है और यहाँ से दिखने में सुंदर लगता है। और इसको जो तला है इसका वो इस प्रकार का मैंने बनाया है। अगर ये जुराब देखने में ऊपर से जितनी सुंदर लग रही है, नीचे से उससे भी ज़्यादा सुंदर लगती है। मैंने बहुत धीरे धीरे अपनी इस सॉक्स को बनाने का वीडियो बनाया है। और इस सॉक्स में आप देख सकते हैं केवल सीधे और उल्टे फंदों का प्रयोग किया गया है, केवल 2 रो का डिजाइन है। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। सॉक्स बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सॉक्स बनाने के लिए मैंने वर्धमान की मिलेनियम वूल का इस्तेमाल किया है और जो वूल लगी है वो टोटल वूल 52 ग्राम लगी है। लाल रंग की ऊन पूरी 26 ग्राम लगी है और सफेद रंग की ऊन भी पूरी 26 ग्राम लगी है। अब हम अपना वीडियो बनाना जुराब बनाने शुरू करते हैं। दो रंग से फंदे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने धागे को डबल कर लेंगे और दोनों धागों की हमारी लंबाई जो है वो सेम होनी चाहिए। अब हम किसी भी एक धागे से पहले एक नॉट लगा लेंगे। और इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर इस फंदे को इस तरीके से ले लेंगे। इसको हम खींच देंगे। एक फंदा हमने लाल रंग के धागे से बना लिया है, दूसरा फंदा सफेद रंग के धागे से बनाएंगे। फंदा बनाने से पहले हम धागों को पकड़ेंगे कैसे, बस इसमें यही एक काम है। दूसरी बात, दूसरा धागा जो हम लगाएंगे वो हमको इस साइड से शुरू नहीं करना, जिस साइड से एक टुकड़ा है और दूसरा धागा आगे जा रहा, हमको इस साइड से फंदे डालने शुरू करने हैं जो साइड हमारी गोल है। अगर हम इस साइड से फंदों को डालना शुरू करेंगे तो बुनने के लिए हमारे पास धागा नहीं होगा, इसलिए हम इस साइड से अपने फंदों को बनाना शुरू करेंगे। बनाने का तरीका बहुत आसान है, सेम मेथड से ही फंदे बनाने हैं। डबल धागा मैंने इस साइड किया है, सिंगल धागा मैंने इस साइड रखा है, एक फंदा लाल
रंग से बनाने के बाद अब हमें सफ़ेद रंग से धागा फंदा बनाना है। सबसे पहले इस धागे को इस टुकड़े के साथ हम इकट्ठा लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ेंगे। यहाँ पर इस धागे को, सिंगल धागे को अपनी उंगली पर लपेटने के बाद इन लाल रंग के टुकड़े और सफ़ेद रंग के टुकड़े को लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ेंगे और राइट हैंड साइड में हमारे ये दोनों धागे होने चाहिए। अब जैसे हम फंदा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से फंदे को बनाएंगे। यहाँ से पहले मैं इन धागों को पकड़ूंगी, राइट हैंड साइड से मैंने धागों को पकड़ लिया और अब इस सिंगल धागे से धागे को लपेटा और फिर से धागों को लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ने के बाद इसको मैं ऐसे पलट दूंगी और खींच दूंगी और फंदा बन गया। सफ़ेद धागे को मैं इस साइड करूंगी, इस अपने लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ रही हूँ और फिर राइट हैंड साइड से बिल्कुल पहले की तरह एक फंदा बना लिया, उंगली के ऊपर धागा लपेटा और सिलाई के ऊपर ले लिया। अब मैं पहले सफ़ेद धागे को छोड़ दूंगी और लेफ्ट हैंड साइड के धागों को राइट हैंड में पकड़ूंगी और इस धागे से एक फंदा फिर से बना लूंगी। सीधे हाथ से धागों को छोड़कर उल्टे हाथ से धागों को पकड़ने के बाद मैं सिलाई से अपने धागे को इस तरीके से पलट दूंगी और इस धागे को खींच दूंगी। बस इसी मेथड को हमें लगातार रिपीट करना है। इस धागे को मैं इस साइड कर लूंगी, इस धागे को उंगली पर लपेटने के बाद लाल रंग के धागे को छोड़ दूंगी, लेफ्ट हैंड के धागे को पहले राइट हैंड में पकड़ूंगी, फिर फंदे को बनाऊंगी, फिर राइट हैंड के धागे को लेफ्ट हैंड में पकड़ने के बाद मैं इस उंगली के धागे को इसके ऊपर पलटकर इसको खींच दूंगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचना वरना हमारा जो कॉर्नर है वो सुंदर बनकर नहीं आएगा। राइट सफ़ेद धागे को मैं अपने पहले उल्टे हाथ में पकड़ूंगी, फिर उसके बाद इस लाल धागे को ऐसे लपेटा, सिलाई के ऊपर ले लिया, पहले सफ़ेद धागा छोड़ दिया, उल्टे हाथ के धागों को सीधे हाथ में पकड़ने के बाद मैं अपने फंदे को, धागे को इस तरह लपेटूंगी, राइट हैंड के धागे लेफ्ट हैंड से पकड़ने के बाद इसको पलटूंगी। बस इसी तरह से फंदे बनाते हुए हमको अपनी सिलाई पर 46 स्टिचेस डालने हैं, तो पहले मैं 46 स्टिचेस डाल लेती हूँ। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपनी सिलाई पर 46 स्टिचेस डाल लिए हैं। 46 स्टिचेस डालने के बाद मेरे को दो सिलाई लाल रंग से बनानी है, दो सफ़ेद से, फिर दो लाल रंग से, दो सफ़ेद से और दो लाल रंग से, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई बनानी है। तो पहले मैं इसको इतना बना लूँ, मैं थोड़ा सा आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है, धागों को हम पीछे कर लेंगे। पहला फंदा हम बुनकर ही बनाएंगे, बस बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम 10 रोज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 10 रो बिल्कुल कंप्लीट कर ली हैं। उसके साथ ही मैंने एक मार्कर लगाया है। 23 फंदे मेरे पास इस साइड हैं और 23 फंदे मेरे पास इस साइड हैं। इसके ऊपर अब हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। इस डिज़ाइन में एक रो बेस रो है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है और सीधी साइड पर आके कंप्लीट हो जाएगा। केवल दो रो का हमारा ये डिज़ाइन है। एक बूट हम अपने यहाँ से लाल रंग से हमने शुरू किया है और दूसरे बूट को हम यहाँ से सफ़ेद रंग से शुरू करेंगे।
इस कलर से बनाना शुरू करेंगे। ये हमारे डिजाइन की बेस रो नंबर एक है जो कि हमको बनानी बिल्कुल सीधी सीधी है, लेकिन सफेद रंग से हम अपने इस मार्कर तक बनाएंगे। यहां तक मैंने सफेद रंग से बना लिया है, इसके ऊपर इन फंदों को मैं अपने लाल रंग से बनाऊंगी। उसके लिए मैंने सफेद रंग से लाल रंग के धागे को जोड़ लिया है और इस साइड को मैं सारा का सारा सीधा बनाऊंगी। तो पहले ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। बेस रो बनाने के बाद अब हमारा डिजाइन शुरू होगा। डिजाइन हमारा रॉन्ग साइड से शुरू होगा। रॉन्ग साइड हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे, लेकिन अपने इस मार्कर से एक फंदे को छोड़ने तक हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। यहां पर एक फंदे को हम अपनी सिलाई पर दो बार धागे को लपेटेंगे। और हर बार अपनी सिलाई में धागे में क्रॉस डालते हुए इस धागे को इस साइड कर लेंगे। फिर हम सफेद रंग के धागे को पकड़ने के बाद आगे वाले फंदे को बनाना शुरू करेंगे। इस लाल रंग से आखिरी फंदा और सफेद रंग का पहला फंदा हम दो बार अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए बनाएंगे। इस मार्कर के एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, हम इस तरह धागे को लपेटते हुए बनाएंगे और बाकी सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से हम अपने डिजाइन की रो नंबर दो और आखिरी बना रहे हैं। इसके लिए सीधी साइड से हमें सफेद के ऊपर सफेद से और लाल के ऊपर लाल से बिल्कुल सीधा सीधा ही बनाना है। और इस बार हमें अपने इस मार्कर से तीन फंदे इधर बनाने हैं। ये एक फंदा है, एक दो तीन, यहां तक हमें सारे फंदे सफेद रंग से सीधे बनाने हैं। यहां पर हम इन तीन फंदों को बिना बुने उल्टा उतारेंगे इस तरीके से। पहले सफेद तीन फंदों को उतार लेंगे, फिर आगे वाले लाल फंदे जो हमने डबल धागा लपेटा था इसको भी हम उतार लेंगे। चार फंदे उतारने के बाद रॉन्ग साइड से पहला फंदा लाल फंदा छोड़ते हुए तीन फंदों को हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे। सिलाई को बाहर किया और इस फंदे को हम यहां पर एक फंदा हम सफेद रंग से सीधा बना लेंगे। जो सफेद रंग के तीन फंदे थे, एक दो और तीन, ये हमारे सफेद फंदे हैं और ये फंदा जो है ये लाल की साइड चला जाएगा। हमने यहां तक अपने फंदों को सफेद बनाना है। जो आखिरी का सफेद फंदा होगा वो हमें सफेद कभी भी नहीं बनाना। एक फंदा बना लिया, एक फंदा और बनाया, एक फंदा हम यहां पर बढ़ा लेंगे। यहां पर हमने सफेद फंदों के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें लाल रंग से बनाना है, तो सबसे पहले हम अपने धागे में क्रॉस डालेंगे। क्रॉस डालना बहुत जरूरी है। धागा अपने उस साइड करेंगे और इस साइड से हमने अपने लाल धागे को ले लिया। इस फंदे को हम उतार लेंगे आगे की तरफ और अंगूठे और उंगली में मैं इसको दबा लूंगी।
एक फंदा लाल बना लिया, एक फंदा यहाँ पर हमने बढ़ा लिया, फिर से एक फंदा लाल बना लिया और इस सफेद फंदे को हमने यहाँ पर लाल बना लिया। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब मेरे को ये साइड सारी सीधी बनानी है और वापसी में भी मैं यहाँ तक बना लूँ, यहाँ तक बना लूँ, फिर मैं इसके ऊपर आपके सामने बनाऊंगी। एक बार हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है, रॉन्ग साइड से हमने यहाँ तक बना लिया है, रॉन्ग साइड से आखिरी फंदा और मार्कर के इस साइड का एक फंदा और इस साइड का एक फंदा हमेशा ही हमें धागे को लपेटते हुए बनाना है। सबसे पहले हम अपने धागे में क्रॉस डालेंगे और अब हम इस धागे को इस तरीके से लपेट लेंगे। ये सारी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। क्रॉस डालने से हमारे यहां से आप देखिए खुलेगी नहीं, ये देखिए यहां से ये खुलेगी नहीं। अगर हम क्रॉस नहीं डालेंगे तो हमारा यहां से खुल जाएगा, इसलिए आप हमेशा क्रॉस डालते हुए अपने धागे को बदलेंगे। मैं ये रो पूरी कंप्लीट कर लूं, वापसी में आपके सामने बनाऊंगी। सीधी साइड से अपना डिज़ाइन हम दूसरी बार बना रहे हैं। दूसरी बार भी हमको अपने इस मार्कर के तीन फंदे इधर रहने तक अपने डिज़ाइन को बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। हर बार हमारा एक फंदा बढ़ेगा, एक फंदा इधर बढ़ेगा, एक फंदा हमारा इस तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर तीन फंदे रह गए। अब हम इन चार फंदों को बिना बुने उल्टा उतारेंगे, दो तीन और चार। पहले फंदे लाल को छोड़कर पीछे से हम तीन फंदों को अपनी सिलाई पर इस तरीके से लेंगे। लाल फंदे को हम इस तरीके से अपनी सिलाई पर लेकर एक फंदा हम बना लेंगे। इसके बाद इन दो फंदों को बनाना है, एक फंदा सीधा, एक फंदा हमने बढ़ा लिया और फिर एक फंदा हमने बना लिया। यहां पर हमारा सफेद रंग का डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम लाल रंग का बनाएंगे। पहले इस फंदे को उतार कर अपनी उंगली और अंगूठे में हम लपेट लेंगे, दबा लेंगे। धागे को सबसे पहले हम क्रॉस डालेंगे एक फंदा लाल से बनाएंगे सीधा, एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और फिर से एक फंदा बनाने के बाद हम अपने सफेद फंदे को सिलाई में डालकर एक फंदा लाल बना लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हमको अपनी सिलाई पर टोटल फंदे पहले 14 बनाने हैं, दो मैंने बना लिए हैं, 12 मैं और बनाऊंगी और जो 15वीं बार हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे उसमें हम अपने इस साइड को अपने सॉक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। 15वीं बार का डिज़ाइन मैं आपके सामने बनाऊंगी, पहले मैं 14 बार अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 14 बार अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 हमारा डिज़ाइन उल्टी ओर से शुरू होता है और सीधी ओर में आके ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। 14 बार मैंने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। अब मैं 15वीं बार बिल्कुल अपने सेम मेथड से अपने
15वां डिजाइन को शुरू कर रही हूं। बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाते हुए बस सेंटर के दो फंदों पे हमें धागे को लपेटना है। इसी डिजाइन को बनाते हुए पहले मैं यहाँ पर आऊंगी और सीधी साइड से रो नंबर 15 मैं आपके सामने बनाऊंगी। सीधी साइड से 15वीं बार अपने डिजाइन को बना रही हूँ। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहले मैं अपने इस मार्कर के दोनों साइड के 3 फंदे रहने तक अपने डिजाइन को कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर हमने 3 फंदे छोड़ने तक अपने डिजाइन को बना लिया है। बिल्कुल पहले मेथड से ही पहले हम इन 3 फंदों को बनाएंगे। लाल फंदा छोड़ते हुए इन 3 फंदों को हमें अपनी सिलाई पर बैक साइड से लेना है। इसको हम पहले की तरह बना लेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। रो नंबर 15वीं बार डिजाइन बनाते समय हमको केवल इतने फंदों को बनाना है। इसके बाद हम अपनी सिलाई को पलट लेंगे। ये सफेद फंदा हमारा इस साइड आएगा। अब हम इसको पलट लेंगे और इस बार हम रॉन्ग साइड से सारी की सारी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। कोई फंदे पर हम डबल धागे को नहीं लपेटेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए रो नंबर 15वीं बार हम अपने डिजाइन को कंप्लीट कर बैठे हैं और 16वीं बार हम बना रहे हैं। डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2 बार सिर्फ फंदे को बढ़ाएंगे। सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से केवल उल्टा बनाते हुए सीधी साइड से हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। केवल एक फंदा छोड़कर हम यहाँ पर सारी सिलाई को ये फंदा इस साइड का है। यहाँ पर एक फंदा छोड़ने तक हम सारी सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी ही बनाएंगे। यहाँ पर हम अपने एक फंदे को और बढ़ा लेंगे। ये हमारा 16वां फंदा है। वापसी हम सारी की सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे और फिर सीधी सिलाई यहाँ तक बनाएंगे। फिर मैं आपके सामने बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर 17वीं बार अपने फंदे को बढ़ा रही हूँ और ये आखिरी बार है। इसके बाद हमें फंदे को नहीं बढ़ाना। 14 बार ये फंदे बढ़ाए। 15, 16, 17 फंदे मैंने एक साइड से बढ़ाए हैं। 23 फंदे यहाँ पर थे, 17 फंदे मैंने यहाँ पर बढ़ाए। टोटल फंदे मेरे पास यहाँ पर 40 हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 का डबल 40। अब रॉन्ग साइड से ये रो में कंप्लीट करूंगी। फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। इसके ऊपर अब हमको ना कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा कम करना है। यहां से हम अपने लाल धागे को लगाते हुए मेरे को यहाँ पर 7 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। ये देखिए, 2 सिलाई लाल रंग से, 2 सफेद रंग से, 2 फिर लाल रंग से और 1 सिलाई हम सफेद रंग से बनाएंगे। जब 7वीं सिलाई सफेद रंग से बनाएंगे तो हम यहाँ पर रॉन्ग साइड आ जाएंगे। तो पहले मैं 7 सिलाई सीधी सीधी कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 7 रो कंप्लीट कर ली है। 7 रो और बनानी है। यहाँ से लाल से शुरू करते हुए हमें टोटल रो 14 कंप्लीट करनी है।
अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग साइड से सबसे पहले हम यहां से अपने चार फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए यहां पर मैंने चार फंदों को बंद किया है। अब मेरे को रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 में चार फंदों को बंद करना है। और ढीला ढीला बंद करना है, एक, दो, तीन और चार। बनाने के बाद रो नंबर 8 हम व्हाइट कलर के धागे से बनाएंगे और उसके बाद रो नंबर 10 और रो नंबर 11 सीधी सीधी बनाते हुए हम यहाँ उसको लाल रंग से बनाएंगे। तो पहले मैं रो नंबर 10 तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर चार फंदे बंद करने के बाद मेरे पास सिलाई में 36 फंदे हैं। यहाँ पर मैंने 10 रो कंप्लीट कर ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके ऊपर मेरे को चार सिलाई बनानी है, 11, 12, 13 और 14। दो सिलाई इसमें हमको इस साइड एक भी फंदा ना कम करना है ना ज्यादा करना है। इस साइड रो नंबर 11 शुरू करते समय हम एक फंदे को कम कर लेंगे और ये रो नंबर 11 और 12 सारे के सारे सीधी बनाएंगे और इस समय मेरे पास सिलाई में 35 फंदे रह गए हैं। सीधी साइड से रो नंबर 13 बना रही हूं। रो नंबर 13 शुरू करते समय मेरे को यहां से एक फंदे को कम करना है। इसके बाद मेरे पास सिलाई में 34 फंदे रह गए हैं। रो नंबर 13 और 14 दोनों साइड से सीधी सीधी बनाएंगे। पहले मैं रो नंबर 13 बना लेती हूँ, रो नंबर 14 मैं आपके सामने बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 बना रही हूँ और रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 शुरू करते समय हम इन 8 फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 8 फंदे बंद किए हैं और बाकी सिलाई हम सारी की सारी सीधी सीधी बनाएंगे। ये हमारे एक साइड की आखिरी सिलाई है। बिल्कुल ढीला बंद करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और 8। 8 फंदे बंद करने के पास इस समय मेरे पास सिलाई में टोटल फंदे 26 रह गए हैं। मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी 14 रोज कंप्लीट कर ली है और धागों को मैंने यहाँ पर काट दिया है। अब हम इसकी इस साइड को बनाएंगे। इस साइड का हमारा डिजाइन इस तरीके से शेप बनकर आई है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिल देंगे। अब हम अपने इस साइड को बना रहे हैं। 14 बार हमने डिजाइन को बना लिया था, 15वीं बार डिजाइन मैं आपके सामने बना रही हूँ। इस साइड हम क्या करेंगे, पहले पहले वाले फंदे को उतार कर
आगे करके अंगूठे और उंगली में दबाकर एक फंदा बना लेंगे, एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। फिर से एक फंदा सीधा बनाने के बाद अपने इस फंदे को सफेद फंदे से हम एक लाल फंदा और बना लेंगे। यहाँ पर हमने 15वीं बार अपने डिजाइन को कंप्लीट किया है। इसके बाद ये रो मैं सारी की सारी उल्टी सीधी बनाऊंगी और एक रो उल्टी बनाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर अपने डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे। सीधी साइड से मैं 16वीं बार अपने फंदे को बढ़ा रही हूँ। 16वीं बार और 17वीं बार हमें इस साइड भी अपने फंदों को बढ़ाना है। एक फंदा सीधा बनाने के बाद एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे और ये सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और वापसी भी बनाऊंगे, फिर 17वीं बार में आपके सामने बना दूंगी। यहाँ पर अब हम 17वीं बार अपने डिजाइन को बना रहे हैं। 17वीं बार भी हमें बिल्कुल सेम मेथड से अपने फंदों को कंप्लीट करना है। 17वीं बार फंदे बनाने के बाद मेरे पास सिलाई में इस साइड भी 40 फंदे हो गए हैं। ये रो मैं सीधी बनाऊंगी और वापसी मैं उल्टी बनाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक बार अपने बूट के फंदे को बढ़ाने का जो हमारा प्रोसीजर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब मैं इस तरफ, जैसे हमने इस तरफ 7 सिलाई बनाई थी, इस साइड भी 14 सिलाई बनी है, इस साइड भी 14 सिलाई बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाते समय इस साइड और इस साइड में एक सिलाई का फ़र्क रहेगा। इस साइड हमने 7 सिलाई के बाद अपने 4 फंदे को बंद किया था, इस साइड हम 6 सिलाई कंप्लीट करने के बाद 7वीं सिलाई पर हम अपने 4 फंदों को बंद करेंगे। सबसे पहले मैं इसी तरह से बनाते हुए पहले अपनी 6 रोज को कंप्लीट कर लेती हूँ। 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। 7वीं रो शुरू करते समय जैसे हमने इस तरफ 4 फंदे कम किए थे, इस तरफ भी हम 4 फंदों को बंद करेंगे। एक, दो, तीन, चार, बिल्कुल लूज बंद करने हैं फंदे। 4 फंदे बंद करने के बाद रो नंबर 7 हम सीधी बनाएंगे। रो नंबर 7, 8 और 9 तीन रो बिल्कुल सीधी बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर जैसे हमने इस साइड से एक एक फंदे को कम किया था उन फंदों को हम कम करेंगे। इस साइड हमने एक एक फंदा कम किया था ना, बिल्कुल वैसे हम इस साइड भी फंदे को कम करेंगे। पहले हम 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी साइड से रो नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है, रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। रो नंबर 10 जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम एक फंदे को बंद कर लेंगे। रो नंबर 10 और रो नंबर 11 कंप्लीट कर लें, फिर हम वापसी रॉन्ग साइड आ जाएंगे, फिर हम एक फंदा फिर से बंद करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 बना रही हूँ। रो नंबर 12 भी शुरू करते समय एक फंदा हम बंद कर लेंगे और रो नंबर 12, 13 और 14 हम तीनों सिलाई सारी की सारी सीधी बनाएंगे, तो हमने दोनों साइड की जुराब कंप्लीट कर ली। यहाँ पर मैंने 14 रोज अपनी कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ से पहले 8 फंदों को बंद करूँगी, बिल्कुल ढीला ढीला बंद करना है। एक, दो, तीन,
चार, पांच, छः, सात और आठ। यहाँ पर आठ फंदों को बंद करने के बाद मेरे पास अपनी सिलाई पर यहाँ पर अब 26 फंदे बच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को मैं अपनी सिलाई पर ले रही हूँ। सीधी साइड, दोनों साइड सीधी साइड अंदर करने के साथ उल्टी साइड से हम इनको इस तरीके से बनाएंगे। दो फंदों को इस तरीके से पहले बुन लेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि हमको बिल्कुल लूज बंद करना है। जब हम लूज बंद करेंगे तभी हमारे पैर का तल्ला बिल्कुल बराबर आएगा। अगर हमने टाइट फंदे बंद कर दिए तो हमारा पैर का तल्ला टाइट हो जाएगा, हमारी जुराब पैर में पूरी नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से बंद करते हुए पहले हम अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपने सारे फंदों को बिल्कुल लूज बंद किया है और इसको मैं इस तरीके से पक्का कर दूंगी। अब हमको केवल इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करनी बहुत आसान है। सिलाई करने के लिए हम सीधी साइड को आपस में जोड़कर पहले यहाँ पर हम अपने एक किनारे को पक्का कर लेंगे। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे इस तरीके से। सीधी साइड हमारी बाहर आ गई है और उल्टी साइड हमारी अंदर चली गई है। अब हम एक साइड से अपनी सुई को बाहर ले लेंगे और बिल्कुल दो धागे इस साइड से और दो धागे हम इस साइड से लेते हुए अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। और ध्यान इस बात का रखेंगे कि सिलाई हमको इस साइड से शुरू करनी है जहां से हमने अपने फंदे डाले थे। इस साइड से सिलाई करते हुए इधर नहीं आना, वरना हमारा यहाँ से आके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा। तो अब हम पहले सारी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और धागे को हम काट देंगे। यहाँ पर सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंगूठे की और उंगलियों की अलग अलग करके इस तरीके दो पार्ट में डिवाइड करके इसकी हम सिलाई करेंगे। इसको इसके साथ जोड़ लेंगे और इस साइड को इसके साथ जोड़ते हुए सिलाई करेंगे। एक साइड हम लाल रंग से सिलाई करेंगे और एक साइड हम सफेद रंग से सिलाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। दो धागे ही हमें हर बार लेते रहना है। बस दो धागे लेते हुए हमें अपनी सारी की सारी सिलाई अंगूठे की इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। यहाँ पर जुराब बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं दोनों जुराबें बनकर कितनी सुंदर लग रही हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।